स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी डूइंग सरफेस केमिस्ट्री. अगेन दिस इज फॉर 3 to 4 मार्क्स चैप्टर एंड ओनली थियोरी बेस्ड, नो न्यूमेरिकल इज देयर एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इज देयर फ्रॉम दिस चैप्टर 3 to 4 मार्क्स, राइट. सो लेट अस स्टार्ट विद सरफेस केमिस्ट्री. नाउ व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री? इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द nature of surfaces and changes occurring on the surface, or it is a chemistry at the boundary separating the two bulk faces. Bulk, two bulk faces means boundary and the inside of that is bulk. So this boundary is known as the surface or interface. Examples are adsorptions, electrode processes, heterogeneous catalysis and corrosion. Now, to carry out such kind of surface studies, it is necessary to have all the ultra clean surfaces. Ultra clean means bahut zyada clean surfaces ki zarurat hoti hai, which can be obtained by heating them under very high vacuum, and then clean the solids have to be stored in the vacuum. Why vacuum? So that not even any gas particles can be there on the surface of the substance. क्योंकि अगर वो आ जाएगा तो देन वो इम्प्योरिटी एक्ट की तरह एक्ट करेगा. एंड वी वॉन्ट अल्ट्रा क्लीन सर्फेसिस, नो सच काइंड ऑफ गैसेज टू बी देयर ऑन द सर्फेस. अदरवाइज लाइक द सर्फेस विल बी कवर्ड बाई मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, नेमली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, राइट. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक इज एडसॉर्प्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एडसॉर्प्शन. इट इज द फेनोमेना of attracting and retaining the molecules of a substance onto the surface of a liquid or a solid, resulting into higher concentration of the molecules on the surface is called adsorption, right? Or what is the easier definition, you can see it is the concentration of the particles of one substance onto the surface of another substance, such that the surface concentration of the particles is more than that of the bulk concentration. So basically surface concentration zyada honi chahiye as compared to bulk. It is essentially a surface phenomena because surface involve ho raha hai isme. Now jaise solution mein hum do cheeze lete hain, solute and solvent. Solute jo hum dalte hain minor amount जिसको डाल रहे हैं, एंड सॉल्वेंट मेजर अमाउंट जिसके अंदर डाल रहे हैं. तो यहाँ पर थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है. तो एड्सॉर्बेट होता है जो सब्सटेंस ऊपर डाल रहे हो, जो सब्सटेंस किसी और के सरफेस के ऊपर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट. एंड एड्सॉर्बेंट सब्सटेंस ऑन द सर्फेस ऑफ विच द एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस, दैट इज योर एड्सॉर्बेंट, राइट. नाउ एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर्स बाय सिलिका जेल. वाटर वेपर्स आर एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स क्योंकि वो सिलिका जेल के ऊपर जाके बैठ रहे हैं सरफेस पे. व्हाइल सिलिका जेल इज एड्सॉर्बेंट. एड्सॉर्बेंट मीन्स क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पार्टिकल्स आए, तो दिस इज एड्सॉर्बेंट. नाउ व्हाट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन इन आवर डे टू डे लाइफ? वी कम अक्रॉस सो मेनी थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ दैट आर रिलेटेड टू एड्सॉर्प्शन. एक सिंपल एग्जाम्पल मैं बताती हूँ एड्सॉर्प्शन का, दैट इज चॉक. इफ यू टेक अ चॉक and dip it in the ink, what will happen? Sara blue color ka ho jayega. Now if you break the chalk in between, beech mein todenge, then what will you see? You will see center mein white and then uske bahar tumhe blue nazar aayega. So that means ink jo hai wo pura bulk tak nahi gaya hai, that has retained only on the surface of the chalk. So that is adsorption, ठीक है. और एब्जॉर्प्शन का अगर एग्जांपल देखेंगे तो ये कॉटन को इंक में डाल दो और तोड़ो उसको बीच में से, व्हाट विल यू सी? ऑल द कॉटन इज ब्लू इन कलर. ऐसा नहीं है बीच में वाइट वाइट कॉटन रह जाएगा. तो दैट इज एब्जॉर्प्शन. तो अभी तक आप लोगों ने एब्जॉर्प्शन किया था, नाउ वी विल बी डूइंग एडसॉर्प्शन, राइट. सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज इफ अ गैस लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और SO2, this is taken in a closed vessel containing powdered charcoal, pressure of the gas decrease ho raha hai.
क्यों डिक्रीज हो रहा है प्रेशर का? क्योंकि ये सब चीज़ें चारकोल ने अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लिया। अब एयर में ये गैसेस अवेलेबल नहीं हैं, दैट मींस जब एयर में नहीं होंगे तो दे विल नॉट एग्जर्ट प्रेशर, सो द प्रेशर ऑफ द गैस इन द कंटेनर विल डिक्रीज, राइट, बिकॉज द गैसेज आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द सर्फेस। अनदर एग्जाम्पल इज when animal charcoal is added on a solution of an organic dye, any dye, कोई भी dye, blue color का या black color का, any color dye, उसमें हमने animal charcoal डाला, like मैं तुम ये dye ले लिया, filtrate turns colorless, it becomes colorless, why? क्योंकि उसने सारा silica जो भी animal charcoal है उसने सारा का सारा dye को अपने ऊपर absorb कर लिया। अब जो सोल्यूशन होगा डैट विल बी प्योर, एकदम कलरलेस सोल्यूशन, राइट। तो बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाई एक्यूमुलेट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द चारकोल तो एब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट इज एक्वा सोल्यूशन ऑफ रॉ शुगर व्हेन पास्ड ओवर पॉड्स ऑफ एनिमल चारकोल, शुगर को चारकोल के ऊपर डालेंगे, पास करेंगे, इट बिकम्स कलरलेस अगेन, वाई? वही बात है, क्योंकि कलर्ड सब्सटेंस जो है उसमें डैट गेट एब्जॉर्ब ऑन द चारकोल। The air becomes dry in the presence of silica gel. Why? Because water vapors gets absorbed on the surface of the gel. Okay, तो उसमें पानी सारा निकल जाएगा, सारा पानी जो होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। किसी चीज़ को सुखाने के लिए सिलिका जेल में रख दो उस कंटेनर के अंदर, सिलिका जेल में, तो एकदम से वाटर वेपर सारे निकल जाएंगे एंड इट विल बिकम ड्राई। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इज योर desorption. Now what is desorption? It is the opposite of absorption, the process of removing an adsorbed substance from the surface of adsorbent. Jo adsorb kiya tha usko wapas hata diya aapne, so that is the reverse of adsorption, it's called desorption. It can be brought about by heating or by reducing the pressure. Heat karoge to jo substance adsorb hua hai wo apne aap automatically it will go away, theek hai, ya pressure kam kar doge, ठीक है, या तो टेम्परेचर बढ़ा दो या प्रेशर कम कर दो, तो उसे डिसॉर्प्शन में टेक लो। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन? मेन जो डिफरेंस है दैट इज, ये तो है, इट इज़ द लोकलाइजेशन ऑफ द और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस थ्रू आउट द बल्क ऑफ द अनदर, मतलब पूरा बल्क तक जाएगा यूनिफॉर्मली, बट ओवर हियर इट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस ऑन द सर्फेस ऑफ द अनदर सब्सटेंस such that surface concentration of the particles is more than the bulk concentration, right? तो ये important है यहाँ लिखना कि surface concentration जो है वो ज़्यादा होती है as compared to the bulk concentration. It is a bulk phenomena क्योंकि पूरा bulk involve हो रहा है. It is a surface phenomena. Why? Because only surface is concerned. It occurs at uniform rate क्योंकि uniformly हो रहा है and it is rapid in the beginning but it decreases slowly. Bulk concentration is more than the surface concentration as we have already said over here. Surface concentration is more than the bulk concentration. Example mein you can say absorption of ink by cotton and yahan par when chalk is dipped in the ink. This is absorption and this is adsorption. What is absorption? Absorption is a special case, you know, in certain cases. Both adsorption and absorption, they take place simultaneously and cannot be distinguished. Such phenomena are called absorption. जिसमें दोनों हो रहे हैं और distinguish करना तुम्हारे लिए possible नहीं होता. So that is your absorption. Now let us look into the thermodynamic aspect of the adsorption. Thermodynamic aspect में feasibility देखेंगे कि whether the reaction feasible, और अगर feasible है तो क्या क्या conditions पे feasible है. So it occurs at low temperature. First of all, it is feasible only at low temperature. So as a result of adsorption, there is a decrease in surface energy. जब adsorption होता है तो उसमें surface energy कम हो जाती है, which appears, अब अगर वहाँ से कम हो रही है तो it will appear in some other form somewhere else, you know, according to law of conservation of energy. If one energy disappears, then it will reappear in some other form. Somewhere else, right? So it is not going to disappear. So this decrease in surface energy, it appears as heat. That is, it is an exothermic reaction. So
So one thing more we have now concluded that this adsorption is an exothermic reaction, and for exothermic reaction delta H is always negative. Also, freedom of the molecules, that means randomness, it becomes restricted after adsorption. Pehle to kya tha, particles they were moving around freely and anywhere, no? But after adsorption, now they have to stick to the surface of the molecule. That means freedom unka chhin gaya, randomness kam ho gayi. That means entropy will decrease, that means delta S is negative, right? So, and you know, for a reaction to be spontaneous, what is the condition for a reaction to be spontaneous? Delta G has to be negative. And negative hone ke liye, if you see the formula, tumhara delta H negative hai, delta S bhi negative hai, to ye minus aur minus milke plus ho gaya, minus minus plus, aur aage negative hai, and delta G has to be negative. So negative hone ke liye, this portion has to be greater than positive one. Negative part has to be greater than positive part, that means delta H has to be greater than T delta S. Ab delta H ko to hum change nahi kar sakte aur delta S ko bhi change nahi kar sakte. So what other thing is in our hand is temperature. So delta H ko zyada karne ke liye hame temperature ko kam karna padega, okay, so that delta H is greater than T delta S and the reaction becomes feasible. That means we concluded that it takes place at lower temperature, kam temperature pe hi possible hai adsorption, right? And it's an exothermic process. Now types of adsorption, very easy, it is classified into two types depending upon the forces of attraction that hold the adsorbate molecules to the adsorbent. Now one is physical adsorption, or you can say physisorption, and the other is chemical adsorption or chemisorption. Physical adsorption, adsorbate molecules are held to the surface of the adsorbent by means of weak van der Waals forces of attraction. Because physical process hai, usme koi bond to ban nahi raha, to van der Waals force of attraction hi rahega wahan pe, and is there in all the particles, har object mein, har cheez mein van der Waals force of attraction is always there. But in chemical adsorption, as the name says, adsorbent molecules are chemically bonded to the surface of the adsorbate because of the presence of unbalanced forces on the surface. So, usme chemical reaction ho raha hai, wo chemically bonded ho rahe hain usme, right? Then heat of adsorption is less. Why it is less? Kyunki usme reaction to ho nahi raha. Jab reaction nahi hoga, to heat change bhi kam hoga. And yahan par heat of adsorption is more. Kyun? Kyunki chemical bond ban raha hai, to heat energy changes will be there. It is multilayered. Why multilayered? Because bond to banega nahi. To jitni marzi layers bana lega. You know, one layer, two layer, three layer, so on. Because and no energy is required, and physically wo ek ke upar ek layer banata chala jayega. But over here it is monolayered only. Why monolayered? Because bond has to be made. और बॉन्ड अपनी मर्जी से जितने मर्जी नहीं बना सकते हैं, एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसमें, हीट एनर्जी इन्वॉल्व होती है. इट इज़ रिवर्सिबल. रिवर्सिबल इसलिए क्योंकि बॉन्ड तो बनना नहीं है, बना लो और फिर हटा लो, बट इट इज़ इरिवर्सिबल. क्योंकि बॉन्ड बन रहा है तो एक बार बन गया तो उसको तोड़ना फिर मुश्किल है, तो डैट इज इरिवर्सिबल. सो दीज आर, एंड देन नेक्स्ट इज, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर. स्पेसिफिक नहीं है. क्यों स्पेसिफिक नहीं है? क्योंकि बॉन्ड तो बनना नहीं है, तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये तो है, वो तो हर जगह होते हैं. सो इट इज नॉट स्पेसिफिक, एंड इट इज स्पेसिफिक. व्हाई इट इज स्पेसिफिक? बिकॉज केमिकली बॉन्ड बनाना है, बिकॉज नेचर एज केमिकल बॉन्ड इज इन्वॉल्व इन दैट. इट टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे. क्यों? क्योंकि बॉन्ड तो बनना नहीं है. So it takes place even at low temperature and decreases with the increase in temperature. It takes place at a relatively higher temperature because bond banane ke liye high temperature ki zarurat hai. No appreciable activation energy is required. Extra energy ki zarurat nahi hai usme kyunki bond to banna nahi hai. High activation energy is sometimes required in case bond banane mein problem aati hai, so you need to supply activation energy for that purpose. Now, factors affecting the adsorption of the gases on solids. अब गैस को अगर हम एड्सॉर्ब कर रहे हैं,
सॉलिड्स के ऊपर तो व्हाट आर द फैक्टर्स. नंबर वन इज़ योर नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट. कौन सा एडसॉर्बेंट ले रहे हो? देखो हर कोई एडसॉर्बेंट, हर किसी एडसॉर्बेंट को अपने ऊपर एड्सॉर्ब नहीं कर पाता. तो सर्टन एड्सॉर्बेंट्स दे कैन एड्सॉर्ब ओनली सर्टन टाइप्स ऑफ गैसेस, दैट इज एक्टिवेटेड चारकोल एग्जाम्पल लियम. दो इट कैन ईजिली एड्सॉर्ब लिक्विफाइबल गैसेस लाइक अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया, दीज आर ऑल लिक्विफाइबल गैसेस. The non-liquefiable gases are not adsorbed that easily. कर तो लेगा adsorb, लेकिन with difficulty, easily नहीं कर पाएगा. So उसको ये रहेगा कि liquefiable gases फटाफट से आ जाए मेरे पास और मैं उनको adsorb कर लूँ. Non-liquefiable के लिए थोड़ा सा reluctant रहेगा. The most common adsorbent. Now number two is nature of adsorbate. Now एड्सॉर्ब जैसे हमने ऊपर पढ़ा एड्सॉर्बेंट, हर कोई एड्सॉर्बेंट हर एड्सॉर्बेंट को नहीं एड्सॉर्ब कर पाएगा. ऐसे ही हर एड्सॉर्बेंट हर एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्ब नहीं कर पाएगा. बट ब्रॉडली इट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन. इफ इट इज़ फिजिजॉर्प्शन देन इट इज़ नॉन स्पेसिफिक. दैट वी हैव ऑलरेडी डन, यू नो फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज़ नॉन स्पेसिफिक. उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि बॉन्ड तो बनेगा नहीं. सो इट इज़ नॉन स्पेसिफिक इन नेचर. देयरफॉर एवरी गैस गेट एड्सॉर्ब्ड on the surface of any type of solid to a lesser or a greater extent. वो उस पर एब्जॉर्ब हो ही जाएगा. ठीक है. बट द इजिली लिक्विफाइबल गैसेस आर लाइक जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, एच सी एल, अमोनिया एंड क्लोरिन एक्सेट्रा, दीज आर एब्जॉर्ब्ड मोर इजिली दैन द परमानेंट गैसेस. जैसे हमने एड्सॉर्बेंट में भी किया था, एड्सॉर्बेंट में भी कर लेता है एड्सॉर्ब, पर लिक्विफाइबल गैसेस को आसानी से करता है. सिमिलरली ओवर हेयर ऑल्सो इजिली लिक्विफाइबल गैसेस तो आराम से एड्सॉर्ब हो जाएंगे किसी भी सर्फेस के ऊपर दैन नॉन लिक्विफाइबल गैसेस. एंड द ईज ऑफ इट्स लिक्विफैक्शन ऑफ अ गैस, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होना, डिपेंड्स अपॉन इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज टी सी. टी सी इज वॉट? टी सी इज क्रिटिकल टेम्परेचर. इट इज मिनिमम टेम्परेचर अबाउ विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड however high the pressure may be applied. देखो liquefy करने के लिए गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है. नो यू हैव टू इंक्रीज द प्रेशर. जब प्रेशर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स दे विल कम क्लोजर, इतने पास आ जाएंगे दैट दे विल टर्न इन टू द लिक्विड स्टेट, क्योंकि लिक्विड स्टेट में इंटर मॉलिक्यूल डिस्टेंस इज लेस. तो गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, लेकिन उस प्रेशर की भी एक लिमिट होती है. उस अगर उस लिमिट के बियॉन्ड आप उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते तो वो टेम्परेचर तुम्हारा है टी सी. इट इज़ अ मिनिमम टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड हाउएवर हाई द प्रेशर में बी अप्लाइड. जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर लो और ज़्यादा, उस टेम्परेचर के बियॉन्ड वो लिक्विफाइड नहीं होगा. टी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ लिक्विफैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर रेडली इट विल बी एब्जॉर्ब. मतलब अगर ईज ऑफ लिक्विफैक्शन ज़्यादा है उसका टी सी कम होगा और वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा. एंड अगर हम केमिकल ऑप्शन की बात करें तो इट इज़ स्पेसिफिक इन नेचर, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा. दी नाउ द स्पेसिफिक इन नेचर, सो अ गैस इज एड्सॉर्ब्ड ओनली व्हेन इट एंटर्स इनटू अ केमिकल कॉम्बिनेशन, दैट इज देयर. नो वी हैव ऑलरेडी डन, क्योंकि उसमें बॉन्ड बनना है, तो बॉन्ड जब तक नहीं बनेगा केमिकल एड्सॉर्प्शन नहीं होगा और एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्ब नहीं करेगा. नेक्स्ट our factor is surface area. You can say specific area of an adsorption. अब फर्क क्या है specific area और surface area में? It is the surface area available for adsorption per gram of the adsorbent. मतलब per gram, एक gram में कितना surface area तुम्हारा available है adsorbent का. ठीक है. तो more is the specific area, more is the ease with which the adsorption of the gases take place on the surface. Naturally, जितना ज़्यादा surface, क्योंकि surface phenomena है, surface ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा आसानी से एड्सॉर्प्शन होगा और फास्टर होगा. फॉर एग्जाम्पल चारकोल इज एक्टिवेटेड बाय हीटिंग. अब एक सिंपल चारकोल लेते हैं और एक होता है एक्टिवेटेड चारकोल. एक्टिवेट का मतलब उसको और ज़्यादा हमने एक्टिवेश बढ़ा दिया. कैसे बढ़ा दिया? बाय हीटिंग. क्यों करते हैं हम उसको एक्टिवेट? क्यों करते हैं वो? इसलिए करते हैं सो दैट द पोर्स जो है चारकोल के अंदर होते हैं दे एक्सपैंड एंड द सर्फेस एरिया इंक्रीजेज एंड हेंस द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीजेज. जब हीट करेंगे, हीट करने से क्या होता है, दे गेट एक्स्ट्रा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. उसकी वजह से क्या होंगे, जो पोर्स होते हैं चारकोल में वो एक्सपैंड हो जाते हैं
एक्सपैंड हो जाएंगे तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा एंड दे कैन एब्जॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ गैस और वट एवर ऑन सरफेस राइट. सो दिस इज योर सरफेस एरिया एंड इन सम केसेज यू नो एक तो एक्टिवेट करा हमने चारकोल को तो एक्टिवेट करा एंड इन सर्टन केसेज वी मेक यूज ऑफ द फाइनली डिवाइडेड फॉर्म ऑफ द एड्सॉर्बेंट मतलब पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं. वाई पाउडर फॉर्म दिस इज टू इंक्रीज द स्पेसिफिक एरिया सो डेट रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज. एक एग्जाम्पल ले लो अगर इफ यू टेक यू नो मिश्री मिश्री इज लंप ऑफ शुगर एंड इफ यू टेक पाउडर फॉर्म ऑफ द सिंबूरा एंड यू सेम टेक सेम अमाउंट ऑफ वाटर एक कटोरी पानी ले लिया एंड यू हैव टू डिजॉल्व सेम अमाउंट ऑफ बोथ ऑफ देम तो विच वन विल डिजॉल्व मोर इजीली एंड अर्लियर फास्टर नेचुरली बूरा. क्यों? क्योंकि उसका फाइनली पाउडर फॉर्म में है सरफेस एरिया इंक बढ़ा दिया तुमने तो डैट विल ऑटोमेटिकली रिएक्ट फास्टर क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है राइट. नेक्स्ट इज योर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. नाउ सिंस एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस सो अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल वी हैव ऑलरेडी डन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर क्योंकि एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो कम हो जाएगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर फिजिक्स ऑप्शन बट फॉर केमिस ऑप्शन में उसका थोड़ा डिफरेंस होता है. ये देखो दिस इज इसमें क्या होगा पहले तो वो इंक्रीज होगा इनिशियली देर विल बी द इंक्रीज इन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन विद टेम्परेचर एंड देन वो जैसे फिजिक्स ऑप्शन के लिए डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है ये फिजिक्स ऑप्शन के लिए देर इज अ डिक्रीज इन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एक्स बाय एम क्या है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन टी इज टेम्परेचर तो टेम्परेचर के साथ फिजिक्स एड्सॉर्प्शन कम हो रहा है बट केमिस ऑप्शन पहले तो इंक्रीज होगा जब तक एक लिमिट रीच नहीं होगा एंड देन इट विल फॉलो द सेम ट्रेंड इट विल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो दिस इज योर एक्सटेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. नाउ दीज ग्राफ्स विच आर ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर आर कॉल्ड एड्सॉर्प्शन आइसोबार. आइसोबार क्या होता है आइसो मीन्स सेम बार मीन्स प्रेशर. जब प्रेशर कॉन्स्टेंट रख रहे हो और टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तुम राइट सो दैट इज कॉल्ड योर आइसो बार. सो दीज ग्राफ जो हैं आइसो बार है. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर. नाउ द ग्राफ ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर आर कॉल्ड एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. अभी जो पीछे किया था दैट वॉज आइसो बार एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर ये है एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर करोगे एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्म. नाउ फ्रेंडलिच वॉज अ साइंटिस्ट हु स्टडीड स्टडी इन डिटेल रिगार्डिंग दीज आइसोथर्म. तो इसको हम बोलते हैं फ्रेंडलिच आइसोथर्म. द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एक्स बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी रेस्ट पर वन बाय एम वेयर एम इज द मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट एंड एक्स इज द मास ऑफ द एड्सॉर्ब पेट. तो फॉर्म एक्स बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी रेस्ट पर वन अपॉन एम एक्स बाय एम इज इक्वल टू के इज प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट एंड के एन एन आर द पैरामीटर्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉलिड. सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा लॉग के एंड वन अपॉन एन एंड सो ऑन एंड इफ यू प्लॉट ऑफ लॉग एक्स बाय एम वर्सेज लॉग पी तो क्या होगा. सो लॉग बाय एक्स बाय एम वाई हो गया एंड वो लॉग पी इज एक्स तो एक्स के साथ में जो भी होगा डैट इज योर स्लोप. वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो दिस इज योर स्लोप. तो स्लोप की वैल्यू वन बाय एन हो जाएगी और इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू लॉग के राइट. ये देखो यहाँ से इफ यू सी तो यहाँ से स्लोप अगर निकालते हैं तो स्लोप इज इक्वल टू वन अपॉन एन एंड ये जो इंटरसेप्ट होगा दैट इज इक्वल टू लॉग के. ठीक है एंड सिमिलरली वी कैन यूज फॉर सोल्यूशन ऑल्सो बट सोल्यूशन में क्या फ़र्क आएगा बस के की जगह तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा जो है सी हो जाएगा. ठीक है और पी की जगह सी हो जाएगा सी instead of P, we will have C. Now, what are the application of adsorption? Production of vacuum, जहाँ भी vacuum चाहिए तुम्हें तो तुम silica gel डाल दो या charcoal डाल दो. It removes traces of air, can जितने भी air particles होंगे charcoal adsorb कर लेगा from the vessel and evacuate by vacuum pump. Gas masks, अब coal mines में जो जाते हैं वो gas mask डाल के जाते हैं उसमें क्या होता है It is a device which consists of the activated charcoal. It is used for breathing in coal mines to absorb poisonous gases onto its surface. Then you have
कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, वाटर वेपर्स को एड्सॉर्ब करने के लिए सबसे बेस्ट सिलिका है या एल्यूमिना है जेल्स. दीज आर यूज एज एड्सॉर्ब बेंड्स फॉर रिमूविंग दी मॉइस्चर. देन यू हैव रिमूविंग ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम दी सोल्यूशंस. कलरिंग मैटर अगर निकालना हो तो अगेन वही सेम एनिमल चारकोल, इट रिमूव दी कलर ऑफ द सोल्यूशन बाय एड्सॉर्बिंग कोलोइडल इम्प्योरिटीज. देन यू हैव हेट्रोजीनियस कैटालिसिस. This is again next topic, heterogeneous catalysis. It is the adsorption of the reactant on the solid surface of the catalyst and it increases the rate of the reaction. Naturally, catalyst ka kaam kya hota hai? To increase the rate of the catalyst. Example is manufacture of ammonia by Haber's process. In the process, the presence of iron as catalyst.